Assalamu alaikum. This is Kamal Shima. Welcome back to Humans with Purpose. This is our seventh episode, and today we have somebody very special with us. Um, normally, up until now, we've had people who've been leading NGOs, uh, but today we have someone who has been changing the minds of the youth in Pakistan, motivating them to be better versions of themselves. Today we have Kase Malisha. Kase Malisha is a sensation. Uh, in Pakistan, he is someone who is most watched when it comes to motivational speeches um, and when it comes to speeches about how to become a better person. He's got an immense following. He's got millions of followers, millions of YouTube subscribers, Instagram followers, Facebook followers, um, and he has been no uh, stranger to controversies as well. सो टोडे वोइ टू हैव अ वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट कैंडड कानवर्जेसन विद कासिम अली शाह और हम उनसे बात करेंगे uh, कि उनकी ज़िंदगी में ये एक इतना बड़ा जो अल्लाह uh, ने उनको मौका दिया uh, पाकिस्तान की यूथ को uh, बेहतर बनाने का कैसे हुआ और uh, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आती रही उसको कैसे हैंडल किया और उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या उनके पास सुपर पावर है ऐसी जिसकी वजह से जो है वो इतना ज़्यादा जब किसी की मोटिवेशन स्पीकर की बात होती है तो सबसे पहले कासिम अली शाह का नाम आता है तो क्या ऐसी बात है तो लेट्स स्टार्ट वालेकुम सर वाले कम कमल कैसे हैं आप ठीक ठाक ठीक ठाक आप कैसे हैं अल्लाह का बढ़ाई शुक्र अलहमद हमने ना ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट की है क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी जो यूथ है उनके बहुत सारे आइडियल्स होते हैं बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं सेलेब्रिटीज़ होते हैं मगर हम चाहते हैं कि हम वो वाले सेलेब्रिटीज़ भी सामने लेकर आएँ जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में नहीं। इसलिए ये है ह्यूमेंस विद पर्पस। ऐसे लोग जो कि पर्पसफुली जो है वो एक दुनिया में एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगा कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो हम चाहते हैं कि आपके बारे में लोगों को पता चले आप कौन है और आपकी क्या जर्नी रही और एक तो आप चीज़ों के बारे में बहुत सारी बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत सारी करते हैं मगर लोग लोग जानना चाहते हैं कि कासिम अली शाह कौन है वट ड्राइव यू वट योर लाइफ हैज़ बिन लाइक आपको क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नापसंद है आपने कहाँ से चीज़ें सीखी थोड़ा सा हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दें कहाँ पैदा हुए क्या आपकी इनिशियल ज़िंदगी क्या थी अच्छा देखें कमल आपका सबसे पहले तो शुक्रिया मैं सुनने वालों को देखने वालों को पता चलूँ कि मैं कमल को फॉलो करता हूँ इसमें मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है आज के दिन कि कमल चीमा मुझे रिकॉर्ड कर रही हैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रही हैं कहीं और भी काम है हमने सोचे हैं आइंदा दिनों में हमने करने हैं लेकिन कमाल की बात यह है कि ये आज का जो इंट मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात इसलिए जैसे ही इन्होंने मुझे कहा दो वादे इन्होंने मेरे से लिए एक तो फ़ौरन करना है ये हम कल परसों में डिसाइड कर रहे थे मैं शहर से बाहर था दूसरा कमल ने कहा कि सर विचली गल असल जो बात है ना हर चीज़ के पीछे आपने असल बात ज़रूर बतानी है कि असल कहानी क्या थी तो मैंने प्रॉमिस किया कि ज़रूर मैं जो जानता हूँ जो समझता हूँ जो समझ पाया हूँ ज़रूर शेयर करूँगा मेरा जर्नी स्टार्ट होता है मेरी बर्थ गुजरात से है मेरी फैमिली सेटल हो चुकी थी लाहौर और जब मैंने होश संभाला तो हम लाहौर में थे लेकिन बचपन में गाँव जाने का इतफाक़ कुछ महीनों के बाद कुछ सालों के बाद होता रहता था लिहाजा गाँव से जुड़ी बेशुमार मेरी यादें और स्कूलिंग मेरी लाहौर की है कॉलेज भी लाहौर में था यूनिवर्सिटी यू ई लाहौर में पहुंच गया इस सारे जर्नी में मैं एक मुख्तलिफ चीज़ बताऊँ वो थी लिखने पढ़ने वाले लोग हमेशा मुझे इम्प्रेस किए यानी अगर पुरानी याद ताज़ा करूँ तो नाइन्टीज़ के शुरू में केवल मैं ऐसी ऐसी किताबें जो आमतौर पर बच्चों के पास होती नहीं थी मैं उन्हें ढूंढ के ला के पढ़ता था कितनी कोटेशन्स मुझे याद थी लाइक कितने वाक़ मुझे याद थे यानी मेरा कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट के साथ फिलॉसफी के साथ जो रिश्ता है वो आठ नौ साल की उम्र से यानी जो मैं आज बातें कह रहा हूँ ये बातें बनते बनते मेरी हांडी पकने में तकरीबन पैंतीस चालीस साल लग गए इस वक्त मेरी एज फोटी फोर है चंद दिन ऊपर लगा लें <laughs> क्योंकि चंद दिन पहले मेरी बर्थडे गुजरी है तो ये सारा जो एक कंपाउंड इफेक्ट था मुझे खबर नहीं थी कि ये इतना खूबसूरत अल्लाह कंपाउंड बना के एक मुरक्कब बना के मेरी जिंदगी में ले आएगा और अल्लाह मुझे एजाज देगा मैं कॉन्वेन्शनल विजडम को मॉडर्न विजडम से जोड़ सकूंगा यानी वो दीन दीन का फ़लसफा उसको मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ जोड़ के एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा ये कहानी है और इसमें जो वायरल होने वाला टाइम है जो वीडियोस और लेक्चर्स और कंटेंट मेरा फैलना शुरू हुआ 2015 अक्टूबर और मैं बिल्कुल गुमनामी में बैठा हुआ था गुमनामी इसलिए कहूँगा कि आज की नामवरी के मुकाबले में गुमनामी थी वैसे उस टाइम भी मैं पढ़ा रहा था तो मेरे सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलवर्स मेरे स्टूडेंट्स से क्योंकि उन्हें एक ऐसा टीचर मिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा जब मैं तो मैं अपनी इनकम सारी की सारी उन पर लगा देता था मुझे गर्जी नहीं होती थी उनको अगर मैंने कमल किसी को बेटा कहा है बेटी कहा है तो मैंने भी निभाया उसको ये मेरी तरबियत में शामिल था कि जो ज़ुबान से कहना है फिर उसकी लाज निभानी आप फिर उसका पैरा देना है यानी ज़ुबान से कहे हुए को कभी आपने सिर्फ ये नहीं वादा करो तो पूरा करो आपने किसी को अच्छा कहा है फिर आपका इम्तिहान शुरू हो गया फिर कभी वो बुरा भी हो जाता है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है तो ये चलते चलते सफ़र टू में वायरल हो गई वीडियोज़ उसके बाद फिर ख़बर नहीं यकीन करें कि वो अनवर मसूद साहब का जुमला कि मैं शायरी के कारपेट पर बैठ के दुनिया मैंने देखी उनका जुमला है यानी हमारा जो हुनर होता है वो कारपेट होता है जो मेरे आपके ज़माने में कहानियाँ हम पढ़ते थे उमरू यार की और शहज़ादी फलानी और परी फलानी उसमें कारपेट होता था जिस पर वो बैठता था और वो फ्लाई करता था तो मेरा कारपेट जो था वो पढ़ाना था मेरा पैशन पढ़ाना था तो इस कारपेट पे बैठ के मैंने दुनिया के दो दर्जन सारा मुल्क देख लिए इस कारपेट बैठ के मुझे पढ़ाने का कहाँ कहाँ मौका मिला इस मुल्क की जुडिशरी को इस मुल्क की फ़ौज को इस मुल्क की पुलिस को इस मुल्क की सिविल सर्विसेज को इस मुल्क के साइंटिस्ट को कहाँ कहाँ पढ़ाने का मौका मिला तो इस प्रोफेशन से टीचिंग से मुझे इतना इश्क है कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास सौ बार ऑप्शन हो दुनिया में वापस आने की दोबारा आ आज कासिम अली शाह दोबारा आ आज तो एक जुमला जो मैंने बहुत बोला है वो रिपीट कर देता हूँ कि मैं फिर दोबारा टीचर बनूँगा सो बार टीचर बनूँगा <laughs> एक कभी बात बड़ी मुश्किल सी बात हमारे उस्ताद और बुज़ुर्ग कहा करते थे रूहानियत के हवाले से कि जो दरवेश होता है या दरवेशी का जो रास्ता है या वो रोड जो लेस कैबल्ड है अंदर का सफ़र उसका एक माइल उसकी निशानी वो बताया करते थे वो माइल बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे देखें ना आप जा रहे हैं फ़र्ज करें कि है और आपने कॉल किया है आ, एसन को आपने कहा ऐसा ऐसा आपके हजब का नाम है ना इसलिए मैंने नाम लिया ऐसा मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पर हूँ क्योंकि धुंध बढ़ी है मैं मोटरवे पर हूँ ऐसेन पूछेगा कि आप ये बताओ कि इस वक्त आपके राइट लेफ्ट कोई बोर्ड आया तो आपने हाँ हाँ बोर्ड आ गया तो वो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है तो उन्होंने कहा कि बोर्ड पर आपने कहा कि बोर्ड पर कोर्ट मोमिन लिखा हुआ है उनका ओके ओके आप सरगोदा के पास हो <laughs> ये सरगोदा की बेल्ट है और इसके बाद इतने टाइम के बाद आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेशन आ जाएगा बिहरा का अब वहां गाड़ी लगा लो ऐसी है ना यानी कोई साइन ऐसा बोर्ड आया द्रिवेषी रूहानियत में जो साइंस है ना उसमें से एक साइन रूहानियत के रस्ते का ये है अगर वो ज़िंदगी में आ जाए इसका मतलब है कि आप वो जो लेस ट्रेवल रोड है उस पर चल रहे हैं वो निशानी क्या है वो निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी से गिला निकल जाए इवन के उन वाक़ का भी जो कुछ सोच भी नहीं सकता को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता शायद आप भी जब गुजरते हैं उसमें से तो आपको तकलीफ होती है लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखें अगर आप वाकई ही खैर के रस्ते पे जा रहे हैं और वक्त पे चीज़ों को समेटते जा रहे हैं तो फिर क्या है कि उनको मीनिंग आपने नहीं दे दिए आपने वो जो विक्टर फ्रेंकल की किताब है मैन सर्च ऑफ मीनिंग मुझे इतनी पसंद है मैंने ट्रांसलेशन करवाई इस किताब की मैन सर्च ऑफ मीनिंग की तो मैन सर्च ऑफ मीनिंग की फिलोसफी है कि इंसान रिसोर्स के बगैर रह सकता होप के बगैर नहीं रह सकता नहीं और होप पैदा होती है जो आपके साथ हुआ उसके मीनिंग आपने क्या ड्राइव किए यानी आप बदतरीन चीज़ के भी मीनिंग ठीक रख लेते हैं रखते नहीं है सिर्फ आप अंदर से मान जाते हैं कि इसमें कोई हिमत है या फिर स्टीव जॉब आज की मॉडर्न जुबान में कौन स्टीव जॉब लिंकिंग डॉट थ्यूरी की बात करता है वो कहता है जिस डॉट पर आ जाओ ये पिछले डॉट के साथ कहीं जुड़ा हुआ तो डॉट के साथ डॉट जुड़ता है तो एक लाइन बनती है और बाजू कुछ डॉट जुड़ते हैं तो पूरी पिक्चर बन जाती है और बंदा हैरान होता है कि ये तो दरअसल तो जिस माइलस्टोन से अल्लाह का शुक्र है मैं गुजर रहा हूँ अल्लाह मुझे इस पे कायम रखे वो ये है कि पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे कोई गिला नहीं है कोई पछतावा नहीं है जो गलतियाँ थी सीखा है उससे और बाकी जो कुछ है किसी ने कुछ भी किया मेरे पास किसी एक भी शख्स का गिला कोई नहीं बल्कि दुआ है ये भी माइल स्टोन की निशानी कि इस माइल स्टोन से हम आगे चले गए बहुत पीछे पहला माइल स्टोन होता है कि आपने नुकसान नहीं देना दूसरा माइल स्टोन होता है रूहानियत में कि आपने फ़ायदा देना है यानी बेजर हो गए अगले लेवल पर आप फायदेमंद हो गए और एक लेवल ऐसा आया कि उसमें आपकी ज़िंदगी में गिला ख़त्म हो गया जब आप अपनी एनर्जी गिले पर लगाते नहीं है तो एनर्जी बच जाएगी जब बचेगी तो फिर एक बंदा जो काम करेगा वो इदारों के बराबर होगा वो क्यों हो? उसका फोकस इतना जबरदस्त होगा तो ये सारा सफर चलते चलते आज के स्टेशन में जो इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी जिंदगी की ट्रांजशन हैं उन ट्रांजिशन में मेरी ना शेप चेंज हो गई है बिल्कुल पहले वाले हालात से बिल्कुल जैसे मेरी पसंदीदा कहानियों में से या स्टोरीज या बायोग्राफीज या जो डाटा अवेलेबल है उसमें बुधा है अब बुधा का एक ना उसमें एक सीन बड़ा ज़बरदस्त बड़ा फिल्मी सीन है वो क्योंकि जब महल छोड़ के जाता है ना तो वो शहज़ादा होता है किंग होता है और जब वो जाता है तो उसकी जो मेसेज हैं वो जो सबसे लाडली उसकी बेगम है क्योंकि बेगमें भी काफ़ी थी ना उसकी सबसे जो लाडली बेगम है शहज़ादी है वो उसके इंतज़ार में और उसके दुख में बैठ जाती है और पता नहीं कहाँ चला गया तो थर्टी वन की एज में वापस आता है दो तीन साल का एक झर्नी है जिसको करके वापस आता है तो एक दिन वो बाल कॉनी पर खड़ी होती है महल की बाल कॉनी पर वो देखती है दूर एक शख्स आ रहा है जिसके कपड़े फटे हुए हैं जिसके बाल बढ़े हुए हैं जिसके चेहरे पे गर्द है उसे उस, उस वो बॉडी लैंग्वेज से पहचानती है उसने कहा ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना ये बॉडी लैंग्वेज किसी किंग की हो सकती है इस हालत में भी अगर कि ये बॉडी लैंग्वेज है तो ये बॉडी लैंग्वेज आम बंदे की नहीं गौर से थोड़ा सा देखती है तो वो है वो फिल्मी सीन होता है कि वो जैसे पारो और क्या नाम लेते हैं वो उसका क्या नाम था देव देवा पारो और देवा की आवाज़ लगती है उधर से तो आवाज़ नहीं आती है ऐसे करके नीचे उतरती है और ऐसे खड़ी हो जाती है ना सामने से आ रहा है ये अपने हाथ फैला लेती है तो जैसे जैसे वो करीब आता है तो इसके हाथ जो है वो नीचे होने लग पड़ते हैं <+nung> फिर हाथ नीचे गिर जाते हैं तो फिर तो ये कहती है कि तुम देखने में वही हो लेकिन अंदर से वो नहीं हो <MOM rhythm> तो मैं किसको वेलकम करूं मैं तो उसको वेलकम के लिए खड़ी थी जिसको मैंने भेजा था जो आया है वो मुख्तलफ है इसे ट्रांजिशन कहते हैं तो मेरी जिंदगी में आज तक तीन बड़ी ट्रांजिशन आई हैं और उन ट्रांजिशन में, में मेरा पिछला रोल अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ ख़त्म हो गया और नया रोल शुरू हो गया बिल्कुल जैसे हम समझाने के लिए कहते हैं इसको इसी प्रोसेस को कि ट्रेन की पटरी जब बदलती है कुंडा बदलता है ठक 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 एक होता है वो ठक ठक से एक जगह से ट्रेन दूसरी लाइन पर चलते हुए चंद डिग्री के फर्क से डेस्टनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है तो ये जो तो ट्रांजिशन है ये कह लीजिए मेरी ज़िंदगी में बेशुमार है अब पुराना जो मेरा स्टूडेंट है वो कहेगा ट्यूशन के टीचर्स है कोई यूनिवर्सिटी में मेरे से पढ़ा वो कहेगा जी मेरे प्रोफेसर साहब थे और कोई पीछे मुड़ेगा वो मोटिवेशन स्पीकर कहेगा और इस वक्त के स्टेशन पर ये मोटिवेशन स्पीकर किसी एक ट्रांजिशन से निकल के किसी और तरफ एंटर हो चुके हैं <laughs> ठीक है जी और ये आने वाले दिनों में अगर अल्लाह सेहत और जिंदगी कायम रखे तो किसी नए रूप में हम नजर आ जाएंगे बड़े हम एक्साइटेड हैं कि अब आपका जो नया ट्रांजेशन होगा नया रूप होगा वो क्या होगा मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा आपके ज़िंदगी में आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी गोल्स क्या हैं ज़िंदगी में क्योंकि आप बहुत बात करते हैं इसके ऊपर अपने अपनी स्पीच में भी बहुत बात करते हैं मगर कासिम अली शाह के क्या जिंदगी के गोल्स हैं और अभी तक का क्या हासिल है अच्छा कमल हमारे आम तौर पे मैं भी उनमें शामिल हूँ हम सब शामिल हैं हम सब के गोल्स बनते कैसे है? हमारे गोल्स सेल्फ डिस्कवरी की बुनियाद पे और ख़ुद को जानने से नहीं बनते हमारे गोल हंड्रेड परसेंट बता इस सोसाइटी में जिस तरह के समाज में हम रहते हैं या हमको सिलिकॉन वैली में नहीं रह रहे या हम कह लीजिए कि वो सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे इस वक्त इस सोसाइटी के लोगों के बच्चों के यंगस्टर्स के और हम सब के गोल्स हंड्रेड परसेंट वही हैं जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं वो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं वही हमारे वो कह लीजिए एक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हैं वही हमारे कोई कह लीजिए कि एक सो कॉल्ड स्टेटस के कुछ के हैं वो जो जो टिक करता जाता है वो कामयाब है और बाकी नाकाम मेरी पसंदीदा ब्रॉनी व्यव जिसका कभी एक ब्लॉग आया था चाय एंड ट्यूशन और फिर किताब आई द टॉप फाइव रिग्रेट्स ऑफ डाइंग मरने वालों के पांच पछतावे इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा थी इस किताब को तो मैं बड़ा हैरान हुआ समटाइम आप कोई और बोल रहा होता है और आपको वैलिडिटी मिलती है मुझे बड़े लोग ऐसे मिले जिनका कासिम साहब आपकी बातें नई बातें नहीं लगी हमें लेकिन हम जो सोचते थे ना वो वैलिड हो गया कि हम सही सोचते थे तो मैंने जब ब्रॉनी डॉनिवियर को पढ़ा और द टॉप ब्रिगेड्स ऑफ डाइंग पढ़ा तो उसमें था एक पॉइंट बड़ा प्यारा कि वो लोग उनको पछतावा नहीं होता जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं जो नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो जो एक नई गेम खेल जाते हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं जो बना ही नहीं है वो नया रास्ता बनाते हैं खुद चलते हैं और दूसरों को कहते हैं आज हो ये जो कॉन्फिडेंस है ना ये अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने वक्त के साथ साथ मेरा पॉलिशनो ये भी वजह है पॉलिश हो गया एक ये भी वजह है कि वो सारे स्टैंडर्ड्स जो थे वो मैंने मीट कर लिए यानी क्या चाहिए होता अच्छी गाड़ी आ गई घर आ गया फैमिली हो गई पैसे चाहिए देख लिए कभी हम जो कह लीजिए पूरे मंथ में कमाते थे वो एक दिन में कमाने लग पड़े वो जो शायद कोई पूरे साल में कई सालों में ना कमाए उतना हम टैक्स दे देते हैं इसका मतलब है कि लाइफ चेंज होने लग पड़ी ना सारी जी तो अगर कोई चीज़ अचीव हो गई है और वाकई वो रखने के काबिल है तो फिर आप देखें कि वो अगर मटीरियल हैं यानी मटीरियल डील थी उस चीज़ के साथ तो उसका तो बुखार उतर जाएगा ये बड़ी शादियों में ऐसे होता है कि कोई टारगेट अचीव होता है उसके बाद मेरे पास काउंसलिंग्स में बेशुमार ऐसी बहनें आती हैं वो कहते साहब उसके बाद इसके पास वो चाम ही नहीं मेरे लिए ये मुझे देखता ही नहीं है मैंने कहा उसका मटीरियल टारगेट था ये सोल टारगेट नहीं था उसने शादी उसके बॉडी ने की है उसकी सोल ने की नहीं है या उसने वो सोल वाले एस्पेक्ट को देखा ही नहीं है वो सारे स्टैंडर्ड नीली बत्ती लग जानी है किसी गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो पे आकर देख लेना है प्रोटोकॉल होने शशके होने यार सब देख लियो और ये सब खोखला है यकीन कीजिए ये इतना खोखला है ये इतना दिखावा है कि इसमें सारी दुनिया क्लैपकारी होती है और सड़ भी रही होती दोनों काम होते हर कामयाब बंदे को हंसक का सामना हर कामयाब बंदे को मेरी लास्ट ट्रांजिशन से जो मैंने सीखा अभी इस पर क्योंकि डिटेल से बात करनी है एक लुकता अभी बता रहता हूँ जो आगे बताना था अभी बता रहा हूं कि हमें हम जो कुछ कर रहे होते हैं कमल हमें उसमें से नाइन्टी को पोस्ट नहीं करना चाहिए सोसाइटी सैडिस्ट है सोसाइटी कामयाब होना चाहती है और कामयाब इंसान से नफरत करती है ये नाकामी को सेलिब्रेट करती है कभी गौर कीजिएगा हम दूसरों की नाकामी पे ना कहीं ना कहीं अंदर खुश होने लग पड़ते हैं ये बड़ी मेजोरिटी ये तो माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी हैं या बड़े को अपने होते हैं वो सोलमेट्स होते हैं जो आपको कामयाब देख के माशाल्लाह कहते हैं जो कहते हैं अल्लाह और दे ज़्यादातर यकीन कीजिएगा वो ऊपर ऊपर से खुश हो रहे होते हैं अंदर से इंतहाई दुखी हो जाते हैं और कहीं बेचारों का तो कंट्रोल बड़ा कम होता है वो तो पोस्ट लगा देते हैं कहीं तो बेचारे सरेआम कह देते हैं कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है अगर हो गया तो मेरा जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है वो मेरा जो बेस्ट है कासिम अली शाह का जो अंदर में दी बेस्ट पड़ा कासिमरिशाह ने जब ढूंढा तो उसे अपनी पर्सनालिटी टाइप पता लगी कि मैं ई एन एफ जे हूँ ठीक है जी मार एम ब्रिक टेस्ट जो है उसमें मुझे पता लगा ई एन एफ जे बॉन्ड टीचर होते हैं और इनके पास इतनी बड़ी कम्युनिकेशन की पावर होती है ये पूरी सोसाइटी को इंगेज कर लेते हैं मैं मिसाल नहीं दे सकता एक लीडर की क्योंकि इस वक्त वो जेल में ई एन एफ ई एन एफ जे और ये एक स्पेल कर देना मॉब्स पे और इनकी फिलॉसफी अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर एक ई एन एफ करके एक अच्छे कम्युनिकेटर अच्छा समझाने वाला कन्विंस करने वाले से जंप करके लीडर बन गया उसको एडवाइजर्स की जरूरत होती है। ये हो ही नहीं सकता अकबर जैसा भी ये मान जाता है नौ रतन चाहिए और नौ रतन ही डबोते हैं नौ रतन ही तारते हैं आपकी 76 इयर्स की जो हिस्ट्री है 76 साल की तारीख उसमें जितने लीडर कामयाब हैं या नाकाम है उसकी वजह उनके एडवाइजर्स हैं अच्छा इस लेवल पे ना जैसे-जैसे आप उठते हैं वहां पर रिस्क इतना बढ़ जाता है यानी आपके ख्याल में के2 के बेस कैंप पे रिस्क है या के2 की हाइट पीक पे रिस्क है पीक, है। पे।, पीक पे रिस्क है। क्यों वहां पर एक पावर आपने गलत रखा नहीं है तो उतनी हाइट से आप नीचे जा सकते हैं तो वहां पर आपको क्वेश्चन चाहिए वहां पर आपको राइट एडवाइजर चाहिए वहां पर आपको खुश से बचना है वहां पर आपको वो जो झूठ बोल रहे हैं और मुनाफिक हैं जिनके जी जो लालच हैं जो आप एक बोटी के लिए बकरा जबा कर रहे हैं उनसे बचना है तो कह लीजिए कि मेरी जो मेन एक मेरे अंदर वैल्यू है टीचर होने की कि मैं अभी भी अल्लाह ने फिर ऐसे वसाइल पैदा कर दिए मैं एक मेरी मुलाकात अता ईसा खिलवी साहब से हुई तो मैं उनसे बात करने लग पड़ा कि खिलवी साहब आपका लकी वक्त था कि वो आ गया कैसेट और डेक आ गया उस टाइम आपको पता उस 80's में नया नया कैसे फिर वीसीआर आया वी सी आर से फिर मौला जट हर घर में पहुंच गई ठीक है जी मेरे टाइम पे गुड़ला सोशल मीडिया मौजूद था ये लेक्चर तो कमल मैं पिछले चौबीस साल से दे रहा हूं ये कोई ऐसे नहीं अचानक शुरू किए ये क्लासों में तो मैं जगह जगह पढ़ा रहा था खबर नहीं थी कि ये कंटेंट अल्लाह ने इसको कबूल करना है मैंने कभी नहीं कहा सब्सक्राइब कर दें बेल का बटन दबा दें मैंने कभी नहीं मुंह से बोला यकीन कीजिए ये जितना कंटेंट है और ये व्हाट्सअप पे इतना वायरल होता है और दुनिया के कोने कोने तक चला जाता है ये अल्लाह करम करता है इसलिए मेरा जुमला मत बोलिए सुनने वालों के लिए स्पेशली कि हम बोल सकते हैं हम लिख सकते हैं ये लिखा हुआ और बोला हुआ दिल में उतरना है, इसका रिजन अल्लाह के पास है हमारे पास सिर्फ इख्तियार है बोलने का सोचने का कहने का उसको दिल में उतारना उसकी मेहरबानी से आपने जिस लीडर की बात की वो कासिम के वालिद साहब जी 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 अच्छा <laughs> तो अभी आप कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी एक सैडस्ट सोसाइटी है और बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर लोग जो जितना राइज करता है उसको उतना खींचते हैं तो इस हवाले से मैं किताब पढ़ी थी जिसमें ईगो इज द एनिमी जो मुझे मैं आपसे भी उस नहीं। 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 आप के हमारी बिल्कुल हम दोनों को काफ़ी वो किताब पसंद है कि वो डिज़ीज़ ऑफ मी एक बहुत बड़ी डिज़ीज़ है तो आप जैसे सम बड़ी हुए सो सक्सेसफुल क्योंकि उस किताब में भी वो ये कहता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सक्सेसफुल भी एक बैगेज बन जाता है और उस सक्सेसफुल होने के बाद उसने एग्जाम्पल दी नपोलियन की कि वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस था मिलिट्री स्ट्रैटज था उसकी आज भी मिलिट्री स्ट्रैटजीज जो है वो हार्वर्ड में एम आई टी में पढ़ाई जाती है मगर एंड में उसका वो जो मै वाला था वो इतना बढ़ गया और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बहुत मिस कैलकुलेशन करके और उस कॉन्फिडेंस पे जाके और वही उसका फिर फॉल बनी तो आ, आप माशाल्लाह इतने पाकिस्तान में आपको जितनी इज्जत मिली और इतना ये मुझे बताएं कि इसके साथ आप कैसे लड़ते हैं ये जो हर साथ... तरफ से आपकी तारीफें हो रही हैं लोग आपके पीछे आ रहे हैं और फिर ये इस चीज़ को आप कैसे चेक में रखते हैं इसके तीन सोलूशन हैं जो फिर मैं कहूँगा ये तीनों सॉल्यूशंस ये कोई मेरी अकल का कमाल नहीं ऐसे उस्ताद मिल गए ऐसे वाक्यात हुए कई दफ़ा ईगो की वजह से मुंह को खानी पड़ी इंसान गलती करता है थ्री प्रिंसिपल्स मैंने बना और मैं उन थ्री प्रिंसिपल्स थ्री स्टिक्स हैं यानी अगर मैं अंधा हूँ तो मेरी थ्री स्टिक्स हैं जिनके जरिए मैं उस खड्डे में गिरने से बचता हूँ ठीक है जी और ये थ्री स्टिक्स जो बता रहा हूँ ये कोई भी शख्स में से कोई सी कोई एंटरप्रेन्योर कोई सक्सेस स्टोरी कोई सेल्फ मेड अल्लाह मेड कोई भी अपना ले तो उसको रिजल्ट जबरदस्त मिलेगा वो थ्री स्टिक्स क्या है स्ट्रिक नंबर वन हमेशा अपनी औकात याद रखें और ऐसे लोग रखें जो आपको आपकी औकात याद करवाएं मैं इसके लिए क्या करता हूँ मैं इसके लिए जहाँ मैंने पहली बार ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था एक गैरज में एक छोटा सा वाइट बोर्ड लेके और जो हैंगर जिस पर कपड़े टांगते हैं स्टील के तार तोड़ के उसको रुक करके गैरेज के अंदर लटका के और डाइनिंग टेबल की दो कुर्सियाँ रख के मैंने बढ़ाना शुरू किया था मैं वहाँ जा के घंटा गुजार के आ जाता और मैं अपने आप को याद करवाता हूँ कासिम अली शाह ये तेरी औकात है इसको ना भूलिए तूने यहाँ से शुरू किया था सफ़र नंबर टू ये उसकी एक एक्टिविटी बढ़ाई मैंने वैसे दर्जन एक्टिविटीज रखी हुई हैं औकात याद करवाने वाली ठीक है जी कि मैं बिल्कुल सादा लिबास में वैगनो में सफ़र करना शुरू कर देता हूँ मैं बिल्कुल सिंपल आम लिबास में किसी एक अदे दोस्त को पकड़ूंगा मेरी सबसे ज़्यादा जो फेवरेट जगह है लाहौर में अगर मैंने पैदल चलना हो और बिलखसूस रात के पिछले पहर में थोड़ा लेट कर लें दस ग्यारह बजे कर लें तो वो अनारकली से ये नई अनारकली से शुरू करके नीला गुब्बे से होते हुए दोबारा फिर अनारकली और कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार से वापस होते होते फिर दोबारा नीला गुम्बत और अनारकली से एग्जिट ये मेरी एक बड़ी पसंदीदा पता नहीं मुझे क्यों इस मुझे एक बड़ा सुकून सा मिलता तो मैं अपने उस टाइम को भी रिकॉल करता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था और मुझे बुक ख़रीदनी होती थी और पैसे नहीं थे और क्या क्या चैलेंज थे मुझे याद आ जाते हैं जहाँ मैं पढ़ने जाता था नवीद मजीद साहब के पास डॉक्टर शबी के पास मैं वहाँ चल जाता हूँ अब वहाँ तो कुछ नहीं वेरान है वेराना है वहाँ पर तो घर आबाद हो चुके हैं अकेडमी भी नहीं है उधर वहाँ पर जगह बदल चुकी है लेकिन मैं उन उस जगह पर जाके गाड़ी पार्क करके आधा घंटा सिर्फ बैठ के सोचता हूँ कि यहाँ जो खड़ा कासिम था और इसमें क्या फ़र्क है तो पता लगता है कोई कर्म हो गया जब कर्म होता है तो फिर कमल मेरे जैसे कोठे से के चल जाते हैं ये कर्म की निशानी है नहीं तो वो कर्म नहीं है कर्म अगर खोटे सिक्के को ना चलाए वो कैसा कर्म है फजल कर्म जो है वो खोटे को चला के दिखा देता है खोटे भी चल जाते यानी खोटे छा जाते ये पहले पहला काम है दूसरी जो एक्टिविटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वो है डेली की रिफ्लेक्शन लोग करते हैं वीकली रिफ्लैक्शन मंथली बल जो हमारे यहाँ तो रिफ्लेक्शन का कमल कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना मैं ना ये एक्सरसाइज करवाता हूँ काउंसलिंग में तो मेरे पास एक क्लाइंट था पिछले दिनों में उसे मैंने पेपर्स दिए पंद्रह मिनट का टाइम अच्छा वो काउंसलिंग का ना तीन घंटे होता है ना बड़ा लंबा काम होता है कि उसका उससे डायग्नोज करना फिर उसकी एक्सरसाइजेस हैं रिफ्लेक्शन की फिर गोल सेटिंग करवाना फिर एक्शन प्लान देना तो क्योंकि हमारे सोसाइटी में आप आप तो बाहर रहे हो बाहर पढ़े हो काउंसलिंग ट्रेनिंग की यहाँ पर अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता ही नहीं है यानी वो नेफ्रोलॉजिस्ट को गुर्दों का डॉक्टर कह के हालांकि गुर्दों के अंदर नेफ्रोलॉजी एक ब्रांच है पता लग जाए तो फिर पता लगता है नेफ्रोलॉजी क्या है अब तो इतनी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है तो मेरे पास जो काउंसलिंग है मैं कोई कह लीजिए इलाज नहीं करता मेरे पास तो काउंसलिंग्स के लिए लोग कपल्स आ जाते हैं प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आ जाते हैं या फिर उनको एक नेविगेटर चाहिए होता है उनको पता उन्हें जाना कहाँ पर है समझ सेल्फ डिस्कवरी के लिए आ जाते हैं वर्क लाइफ बैलेंस आउट है किसी का या कोई ऐसा गिल्ड अंदर पड़ा हुआ तो जो मैं जानता हूँ मैं हेल्प कर देता हूँ अच्छा अब ये सब कुछ बताने के बाद जो ये सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन उन साहब को मैंने कहा जी अपनी एक दिन को रिफ्लेक्ट कर दें मैं पंद्रह मिनट बाद बादऊँगा पंद्रह मिनट खाली सभा पड़ा कहते सर मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है सर सर आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल इफ यू अलाउ तो सर हम ये कल कर देंगे अच्छा अब वो तबीयत नहीं खराब हो रही थी असल में क्या हुआ था कि वो साहब इतनी जरूरत नहीं होती लोगों में कि वो रिफ्लेक्शन कर सकें और वो कहें कि यार ये मैंने क्या ब्लेंडर मारा है क्या बेवकूफ़ी की है आप अपनी जिंदगी में लिस्ट बनाइएगा आप ये सब सुनने वाले कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे माजरत की है मैं बारह से, से ज्यादा नहीं हो सकते शायद बारह भी बड़े मुश्किल हमारे यहां करने का सोरी करने का रवाज ही नहीं है एडमिट करने का यार मेरे से गलती हो गई इसका मतलब पता है क्या है जो ये मानता है कि गलती हो गई उसको रिश्ता प्यारा है उसे कुछ चाहिए जिसको वो बचाना चाह रहा है अगर वो नहीं प्यारा और ईगो प्यारी है तो फिर वो बली का बकरा उस रिश्ते को बना देगा तीसरा काम मैं क्या करता हूं मेरे गाइड्स और मेरे मैं अच्छा ये ये मेरा मिथ ना तोड़ा टॉनी रॉबन्स ने टॉनी रॉबन्स की बुक है अवेकन द विद इन एंड अनलिमिटेड पावर तो ये किताबों से और उसके पॉडकास्ट से उसको सुन मैंने बड़ा फॉलो किया किस टाइम पे मैं अमेरिका से कैसेट्स मंगवाया करता था अब इसी सीडीज भी नहीं होती इतनी पुरानी बात टॉनी रॉबन्स कहता है कि मिथ मेरा क्या था फिर मैं बताता हूँ वो क्या कहता है मिथ ये था हम लोग क्योंकि ना एक सूफी कल्चर से आए मतलब मैं वासिफ़ साहब से मुतािर हो गया एफ एस सी खत्म करने के बाद यू ई टी जा रहा था इतना मुता हुआ कि मैंने असाइनमेंट पकड़ ली कभी कभी मैं रात को ताला लगाता था तो उनके मजार शरीफ का चाय बनाया करता था ये खान का ही सिस्टम से मैं पूरा गुजरा आठ साल मेरे कब्रस्तान में गुजरे तो रातों को कब्रस्त यकीन कीजिए ऐसे ऐसे अब ये सारी चीज़ें मैं अब मेरा बड़ा दिल करता है इनको लिखा जाए बताया जाए क्योंकि जिस ज़माने में लाहौर में बसंत होती थी उसमें तो अलाउड नहीं है पूरा शहर बसंत बना रहा होता था और उस रात हम तज पड़े होते थे हम कुछ दोस्त थे जो मजारशी पे वासिफ़ साहब के मज़ार पे मानी साहब रोड पे है हम रात को वो काफ़ी बड़ी है ना अंदर मस्जिद भी है तो हम वहाँ नमाज पढ़े होते थे कई सर्दियों की ठठरती रहते थी यकीन करें दो तीन बजे का टाइम मुझे आज भी याद है कि मैं कब्रस्तान में वज़ू करके अकेले और उसके बाद नमाज़ पढ़ो मुझे कोई डर नहीं है यानी आपको यंग एज में अल्लाह ताला इस तरह की अगर एक एक्सपोजर दे दे कि आप किताब से वाकिफ़ हों आप उस्ताद से वाकिफ़ हों आप मुर्शिदों से वाकिफ़ हों आप अच्छे लोगों में उठे बैठें आप लर्न करें मैं जो एस्पेक्ट बताना चाह रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ थर्ड ये कि जब आप किसी को एडमिट करते हैं वो आपसे शक्लमंद है आपकी ईगो टूट जाती है मशवरा लेना अलामत है कि आपने ईगो को माइनस किया है कंसल्ट करना अलामत है कि आपने ईगो को माइनस किया ईगो की सबसे बड़ी निशानी जो है ना कई निशानियां वैसे ईगो की कई निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी मुझे पता है अच्छा वो जिस बेस पे बंदा कह रहा होता है ना उसी ईगो का करती है मिसाल लीजिए कि आप आईटी में आपका इतना नाम है और मीटर को देख रही हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में सर्व है कितने दुनिया के मुल्क देखे हैं और इतना पढ़ा है यंग एज में अल्लाह ने आपको कामयाबियाँ दी हैं आप ईगो क्या करेगी आपको एक ऐसा चैलेंज आ गया जिसका आपको नहीं पता फर्ज करते हैं यानी फर्ज करते हैं कि वो कोई पजल है वो इन आपकी इस स्टडी इस एक्सपोजर और इस सक्सेस के साथ नहीं जुड़ता मैं फर्ज कर लेता हूँ बहुत सारे ऐसे बेशुमार है दांत में दर्द हो गया तो ईगो क्या करेगी कि डेंटिस्ट कह रहा है कि आप मुझे फॉलो करें ईगो कहेगी नहीं तुम्हें पहले ही पता तो बड़ी दुनिया की ईगो इतनी खौफनाक हालत में होती है और मैं ईगो के बारे में कहता हूँ ये ब्लड के के, के कतरे में है जिसम के के एक खुलिए में है ये इतनी खौफनाक होती है यानी ईगो ने जकड़ा होता लोगों को और बड़े साइंस हैं मैसे एक साइन उसका ये भी है मैं किसी जगह चंद दिन पहले मौजूद था तो एक मेरे दोस्त थे जिनकी दिन मैं ठहरा हुआ था तो उनके आमों का बाग था उनके वहीं मैं ठहरा हुआ था आमों के बाग में ठहरा हुआ था रात वहीं सोया बच्चे मेरे साथ थे फैमिली मेरे साथ तो नेक्स्ट भी हम लोगों ने किसी को मिलने जाना था वहाँ मिलने गए तो उन साहब को मेरे मैंने दोस्त का तारुफ़ करवाया कि ये जमींदार है बढ़ेरे हैं माशाल्लाह और इन इनका आमों का बाग भी है और वो आमों का बाग जो है वो सर्दियों में आम भी देते मैंने खाए इंटरेस्टिंग तो वो जो साहब थे ना सामने वाले उन्होंने सु, अभी सुना ही है ना तो साथ ही कहते है, मेरे तीन बाग हैं मेरा मामू बड्डा है पंजाबी में नहीं हम जो जो सुनते थे कि वो कोई कहता था ना जी हमने एक गाड़ी है मेरे मामू ने भी लिया है हाँ, जो जिसका स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स है ना वो साइन है कि ईगो है अब ये इस तरह के कई एक्सप्रेशन है बारह एक्सप्रेशन है ईगो की सारी शक्लें आ जाती हैं तो जो मुझे पता है ये ईगो है तो आप अगर किसी मैंटोर के पास जाते हैं तो टॉनी रॉबन कहता है सूफिज्म में ये था कि एक मुर्शद होता है ये एक होता है वैसे। होता है है वैसे ऐसे लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो एक मुर्शद सब चीजों का मुर्शद है हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं। हम में से हम मुझे तो जिंदगी में अगर मैं मानू ईमान लाया हूं जिस बात पर सरकार दो आलम सलम की ज़ात है ग्रामी आपकी तो हो सकती है जिंदगी के हर शोबे में आपको आप अमली नमून है आपको फॉलो करना चाहिए लेकिन बाकी यकीन कीजिए मुझे एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जो परफेक्ट हो अच्छा ये परफेक्शन ना होना ही अलामत है, हम इंसान है बिल्कुल और हम कमजोर इंसान है तो जिस शोबे का भी कोई टीचर मुझे मिलता है लाइक मैंने आ, कपड़े पहनने सीखे अब कपड़े पहने एक अम्मा ने सिखाए एक ये किस मौके पे क्या पहनना है ठीक है जी किस मौके पे क्या पहनना है कैसा पहनना है कैसा, पहनना है, कैसा दिखना है हामिद सही से सीखा मैंने हामिद से मेरे मेट है टेबल मैनर सीखे कितनी छोटी छोटी चीजें ठीक है जी लेस वाले शूज कप पहने हैं और दूसरे बगैर लेसिस के कप पहने हैं

मुझे पता है कि किस कपड़े ने कितने दिन पहनना है मैंने कैसे पहनना है किस मौके पे पहनना है और ये शूटिंग भी रखी हुई है क्योंकि हमने हाई कमीशन को मिलना था तो उसके लिए प्रॉपर मैं शूटिंग करके गया कि यार मुझे हर वक्त एक शूटिंग लाजमी रखनी है कि एग्जैक्टिव मीटिंग आ जाती है अच्छा अब ये बताने का मकसद ये है कि ये जो तीसरा अमल है ना अगर ये हमारी जिंदगी में आ जाकर हमारी बचत हो जाती है बचत क्यों नहीं होती क्योंकि मेंटोर नहीं होता अच्छा क्यों नहीं है इसकी तीन वजूहत है लोगों को मैंटोर क्यों नहीं मिलता पहली बात तलब सच्ची नहीं होती यार अगर आपकी तलब सच्ची है ना तो फिर दुनिया के किसी कोने में को पड़ा हुआ ना शख्स वो आप तक पहुंच जाएगा बल्कि वो खुद मिलेगा वो आके कहेगा मुझे हुक्म हुआ है मैं आपको ईमानदारी वाली बात बताऊं आपको लगेगा जैसे किसी ने उसे कान से पकड़ के कह दिया कि इसको गाइड करो अगर आपकी तलब सच्ची जिसे वासीफ अली वासाब ने कहा है कि पीर और मुरीद में से मुरीद का सच्चा होना जरूरी है <laughs> सच्चा मुरीद झूठे पीर से रास्ता ले लेता है ये वास्ब की कोटेशन है सच्चा मुरीद झूठे पीर से रास्ता ले लेता अच्छा नंबर टू क्यों नहीं मिलता क्योंकि हमारा एतबार नहीं होता या एतबार ख़राब हो जाता है ये बड़ा कॉमन है काउंसलिंग में बड़ा कॉमन है एक दफ़ा मेरे पास कोई एक शोबिस से मोतरमा थी काउंसलिंग के लिए आई तो उन्होंने वो खुले ना ना मैंने कहा आप देखिए ट्रस्ट करना पड़ेगा आप जब तक मेरे साथ बात नहीं करेंगी मुझे सवाल नहीं प्रॉपर करेंगी मैं पहुँचूँगा नहीं तो मैं गाइड कैसे करूंगा वो कहती नहीं सर मैंने कहा खुल के बताएं कोई मसला है उसने कहा हाँ जी कहती जी मैंने फलाने बोला ना फलाने आलमदीन और फलाने शख्स को भी इससे पहले टच किया और उन्होंने मेरे एतबार की दजियो उड़ा दी मैंने कहा जी इन्होंने क्या किया इतना बड़ा नाम उसने कहते उन्होंने पोस्ट लगवा दी कि ये मेरे पास आई थी कहा इन्होंने इसने क्या किया उसने क्या जी इसने इन्होंने पैसे मांग लिए <laughs> और वो पैसे उन्होंने कहा जी सोल्यूशन के बगैर एडवास जमा कराए मैं कहा इन्होंने क्या किया उनका जी उनकी तो नजर ही साफ नहीं थी अब ये आप जानती फीमेल समझ सकती है कि मर्द को ना औरत क्या है ये शायद पूरी जिंदगी समझ नहीं आती औरत को सेकंड के सोमे हिस्से में समझ आ रही है मर्द क्या है ये मेरा मैं कहता तो हूँ गारंटी इसका मैट्रिक पीएचडी के साथ ताल्लुक नहीं है डिग्रियों के साथ ताल्लुक नहीं अल्लाह ने बनाया है ऐसा वो रीड कर देती है कि इस बंदे के अंदर इंटेंशन क्या है उसको लस्ट का लस्ट का उसको फौरन पता लग जाता है उसको कोई गेन है उसकी इंटेंशन में खराबी है उसकी नीयत में खराबी है ऐसे पता लग जाएगा यानी मैं तो बड़ी जगह पर जो डिसीजन करवाना होता है कोई किसी को मैंने जेवी करवाना है साथ मिलाना है कुछ तो मैं बेगम से पूछता हूँ क्यों पूछना जो वो बताती वो कोई भी नहीं बता सकता वो बड़े बड़े पीर नहीं बता सकते वो जो कशफ और दुआ और फलाना और वो भी नहीं बता सकते औरत की ये सेंस इतनी तेज है कि नहीं एक साहब के बारे में मुझे याद है मेरी मिसेस ने कहा मेरी फील्ड के जो ट्रेनर थे घर पे आए फैमिली आई उनकी अनवाइटेड थी मेरी तरफ पुरानी बात है ऐसे पंद्रह साल पहले मेरी बेगम ने कहा कि आइंदा आपने इनको फैमिली मिला वट अपट वो कहने लगी अरे मैंने ध्यान नहीं दिया उसने कहा इन्होंने तीन बार अपनी बेगम की इंसल्ट किया हमारे सामने मैंने कहा रिकॉल प्लीज रिकॉल उसने कहा ये 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 मैं कहा ओ अल्लाह की पर उसने कहा जो अपना जिगर जान है उसका उसकी इंसल्ट आम कर सकता है किसी पराए घर में बैठ के वो आपकी इंसल्ट भी कर सकता इसको दो और ये बात, बात ये बात कमल साबित हुई वो बाद में वो साहब जब मैं क्लिक कर गया तो वो जेलसी में मुझे छोड़ और जगह जगह मेरे खिलाफ बात करने लग पड़े वापस आते हैं ये तीन ऐसे अमल हैं जिससे आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं ये मिनिमम मैंने तीन बताया इनको क्योंकि क्यों क्यों मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ मैं अपने मैंटोर से अपने गुरु से जिनसे सीखना होता है मतलब मुझे अब या का कहीं चीज़ों का नहीं मैं आपसे पूछ लेता हूँ ऐसे कई दफ़ा मैंने कॉल किया कमल से पूछा कमल मुझे गाइड कीजिए ये ऐसे करना है ऐसे करना है यहाँ ये जो चैलेंज है मेरा मैं कई दफ़ा आपके पास चैलेंज लेकर मैं आया हूँ हमारी चंद मुलाकात है लेकिन कई दफ़ा ऐसे हो कि मैंने आपको बताया कमल मेरा चैलेंज है आप मुझे इसमें गाइड कर सकते हो ये एडमिट करना कि मुझे नहीं पता इससे ईगो टूट जाती है अमेजिंग अमेजिंग और ये बात सच है कि मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आज भी मैं नोट्स अपने साथ साथ ले लूँगा ना, क्योंकि बारे? बारे? बहुत आपसे जो है वो इंसान को वो जैसे कहते हैं गोल्डन नगेट्स न, वो गोल्डन बारे नगेट्स, बारे। नगेट्स जो है वो मिलते रहते हैं अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि रिसेंटली हमने देखा ऐसे कुछ वाकियात हुए जिसकी वजह से आपको एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा तो मैं आपसे कोई डायरेक्ट सवाल नहीं उसके बारे में करती आप मैं आप आपके बारे आपके ऊपर छोड़ती कि आप कितना शेयर करना चाहते हैं कि क्या हुआ था आप जो पूछेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट उसका आपने कैसे और आपकी जिंदगी में देखिए आपने मेरे जब आपसे मिली ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने इस इस बारे में आपसे जब सवाल किया आपने कहा कि ये भी बहुत अच्छा हुआ अलहमदिल्ला और उसमें मैं थोड़ी सी हैरान हो गई कि अच्छा ये अच्छा हुआ कैसे तो जरा ये मुझे तो आपने बताया था मगर लोगों को भी बताइएगा कि आपके ख्याल में क्यों वो जो आपने वो एक मुझे पतंग की भी एग्जाम्पल दी थी और आपके ख्याल में कि ये क्या हुआ क्यों हुआ आपके लिए इसमें क्या बेहतरी है और आपने ये पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट या जनरल क्राइसिस मैनेजमेंट भी आप कैसे करते हैं अच्छा देखें एक तो हम मैं वो कन्वर्जेशन करता हूँ जिससे पहले मेरी कमल की हो चुकी है मैंने कहा था कि बाज़त हार्वर्ड की डिग्री आपने ली अगर सर्टिफिकेट दिया छः महीने का क्राइसिस मैनेजमेंट को पढ़ा है आप वो रट्टा लगा के पढ़ा सकते हैं कहीं लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट अगर आपको आप पे गुजरी नहीं है आप क्या बताएंगे हमारी एक बहन है यूके होती हैं वो ग्रीफ मैनेजमेंट करती हैं उनका जवान साला बेटा 18 19 साल का अल्लाह के पास अचानक चला ग्रीफ आया वो अल्लाह ने उस ग्रीफ से उन्हें ग्रीफ थ्रोपिस्ट बना दिया कितना बड़ा काम तो बाज बाज़त को क्राइसिस आपको इतना अच्छा पे करके जाता है आप इतना कुछ लर्न कर जाते हैं कि आप किसी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से जाके भी नहीं पढ़ सकते जिंदगी में कभी भी क्राइसिस आया अगर ये तीन चीजें आपके पास है ना ये तीन लाइफ जैकेट्स कह लीजिए या सेफ्टी गार्ड्स कह लीजिए अगर तीन है तो आपकी बचत हो सकती है क्राइसिस में अदरवाइज मैं गारंटी से कहता हूं कि इस तरह का क्राइसिस अल्लाह ना करे किसी को फेस करना पड़े जिसमें आप आप क्या कुछ रहे हो आपकी नीयत ठीक हो आपको करीबी जानने वाले भी जानते हो कि यार इस तरह की बिल्कुल नीयत नहीं थी और उसकी कोई शक्ल और बन जाए तो वो इतना तेज़ हवा का प्रेशर होता है और इतना बदें मुखालिफ होती है ना बद मुखालिफ ही लग पता जाता है ये बा मुखालिफ नहीं होती ये कह लीजिए कि एक मेजाइल आपके अगेंस्ट चल पड़ता तीन, चीजों चीज़ तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे सपोर्ट किया फिर मैं आता हूँ वाक़ क्या था असल में तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे सपोर्ट किया वो इमाम था अल्लाह पे तोल और भरोसा था यानी मैं बार बार इस सारे प्रोसेस में अपने अंदर झांकता था और मुझे वाक़ याद आता था शेख अब्दुल अब्दुल्क जिलानी का कि आप तजारत करते थे तो आप एक दफ़ा एक महफिल में बैठे बात कर रहे थे तो एक साहब आए उन्होंने आके कहा कि आप का फलाना जो बेड़ा था वो तर गए यानी पहुंच गया सामान ठीक है जी शिपमेंट पहुंच गई हम तो आपने ऐसे देखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नीचे देख के थोड़ी देर बाद दोबारा वो आया और उसने कहा जी फलाना जो बेड़ा था वो डूब गया यानी वो रस्ते में डूब गया आपने इधर देखा आपने कहा अलहमदिल्ला तो किसी ने पूछा हज़रत आपने क्या दो बार देखा और दोनों बार अलहमदिल्ला इन्हें अच्छा हुआ तब भी अलहमदिल्ला बुरा हुआ तब भी अलहमद्ल आपने फरमाया मैंने दोनों बार अपने दिल को देखा कि मेरे दिल की हालत क्या है क्या मेरा दिल याद खुदा से गाफिल तो नहीं हुआ ये गफलत में तो नहीं गया तो पता लगा कि जब फ़ायदा था तब भी इधर से ही अलहमदिल्ला था जब नुकसान हुआ तो नफ़ा नुकसान मेरे अल्लाह की तरफ से तो मैं कौन हो तो गिला करने वाला तब भी मैंने कहा अलहमदिल्ला तो मैं उस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईमान था कि मेरा मतलब मैं सोच रहा था मेरा कसूर क्या है मतलब जो जहां से जिस तरफ से हो रहा है मैंने तो उसको फॉलो किया मैं तो उसका वोटर रहा हूं और मेरा इतने लोगों को मिलना वो सारी पिक्चर्स निकाल के देखिए आपकी ताजा निकाल के देखिए जो हाई प्रोफाइल्स के साथ मेरी पिक्चर्स हैं उसमें मैं ऐसे बैठा हूं हमेशा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं तो मैं ऐसे बैठा हूं। इसका मतलब कोई एरोगेंस नहीं जो बॉडी लैंग्वेज मैंने सीखी उसको मैंने फॉलो किया लेकिन एक दुनिया में ऐसा शख्स था है जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ से लव करता हूँ देखिए मिसाल लीजिए कमल अगर मैं किसी से लव करता हूँ या आप किसे लव करते हैं तो आप मोहब्बत से उसको मशवरा दे सकते हैं आप उसको कह सकते हैं आप उसको कायल कर सकते हैं कि खुदा के लिए यहाँ बच जाएँ हम हम यहाँ कोई रास्ता ऐसा निकालें कि मुलक आगे चल पड़े बचत हो जाए और यही मेरी इंटेंशन थी कि मैं नॉक करता हूँ और नॉक करते हुए कुछ मेरी गलतियाँ भी हैं मैं अभी गलतियों के लिए बताऊँगा तो पहली चीज़ जिसने बचाया वो ईमान था दूसरी चीज़ जो मुझे मेरा सेफ गार्ड थी वो मेरी फैमिली थी और मेरे दोस्त थे ये सब क्योंकि असल में मुझे जानते थे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यानी अगर आप, 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 आप आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो गई उन्होंने पता है और वो हमदर्दी से सिर्फ नहीं हुई उन्हें पता है कि ये सच्चा है प्रॉब्लम में घर से जवाब नहीं आता उस टाइम पे आपके अपने कहते हैं यार चंगा होया अगर आपके इर्द गिर्द के वो जो आपने कमेटी डाली हुई थी तो वो बैंक जो बना हुआ था देखिए बैंक में से कुछ निकल गया ना अगर वो बैंक उस वक्त आपने सेव कर लिया आपकी बचत हो गई यानी वो सेव पहले से किया उस टाइम पे वो लाइफ गार्ड बने को थर्ड थिंग वो आपकी टर्म्स में बोलता हूँ वो है एपिसटर आपके अंदर पड़ा हुआ वो कासिम अली शाह आपके अंदर पड़ी हुई वो कमल आपके अंदर पड़ा हुआ जो असल इंसान है उसकी वैल्यूज क्या हैं वो क्या किट लेकर आया उसके पास ऐसा क्या है यानी वो क्या वजह है कॉज क्या है जिसके साथ वो जी रहा है उसका वाय क्या है सामन सैनिक की जुबान में उसका वाय क्या है वो वाय इतना स्ट्रांग होना चाहिए अब सामन सैनिक क्या कहता है सामन सैनिक कहता है कि अगर आपको पास वाय है हाउ मैटर नहीं करता फिर तो हाउ का मसला नहीं है जो आना चाहो हजार रस्ते ना आना चाहो हजारों देखें सोनी के पास ना वाय था इतना स्ट्रांग वाय था कि सामने बिफिरता दरिया था मही वाल उधर था कच्चे घड़े पे बैठ गई डूब गई वाय इतनी स्ट्रांग चीज है बंदा शहीद हो जाता है वाय इतना ताकतवर होता है कि आप ट्रैक से हटते हैं फिर ट्रैक पे आ जाते हैं वाह इतना स्ट्रांग होता है गलती करके तोबा कर लेते हैं वाह इतना स्ट्रांग होता है आपने मूवी देखी होगी भाग लिखा भाग उन्हें वो अंदर जाता है गलती की होती है ब्लंडर वो अंदर जाता है और शीशे में अपने आप को देख के ट्रक लगाता है करके थप्पड़ अपने आप को अपने आपको, आपको शेटअप करता अपने नफ्स को शेटअप करता कि तुम्हारा इतना स्ट्रोंग वाय था तुमने उसको छोड़ के कुछ और किया तो जब आपका वाय क्लियर है तो फिर फिर प्रॉब्लम नहीं होती तो ये तीन मेरे सेफ्टी गार्ड्स ईमान फैमिली और वाय अच्छा मैं आपसे अब ये एक जो सवाल करना चाह रही हूँ वो ये कि आपको अल्लाह ने बहुत बहुत ज़्यादा दिया फिर आपके ऊपर ये क्राइसिस भी आया बहुत कुछ हुआ और आप इसमें से भी बहुत खूबसूरती से निकल आए और आप फिर भी माशाल्लाह इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या ऐसी सुपर पावर है आपके ख्याल में अल्लाह ने आपको क्या गिफ्ट दिया है जो जो कि आप समझते हैं कि इस गिफ्ट ने या इस चीज़ ने मेरी हर वक्त बहुत मेरी मदद की अच्छा देखिए मैं आपको वो क्राइसिस मैनेजमेंट का बेसिक तीन तो बता चुका हूँ ईमान फैमिली और मिशन लाइफ मिशन वो जो आपका है प्रोग्राम का नाम के पीपल विद पर्पस ठीक है जी तो वो तो अल्लाह ने तीन चीज़ें मुझे गिफ्ट कर दी लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास वो टैलेंट कौन सा था जिसको मैंने पॉलिश किया उसको स्ट्रेंथ बनाया एक किताब है स्ट्रेंथ फाइंडर टू पॉइंट डोनल्ड की टॉम रुद की वो किताब कहती है कि जो टैलेंट होता है जब वो पॉलिश हो जाता है ना तो पॉलिश होने के बाद टैलेंट कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेंथ में तो दुनिया में जितने इंसान हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ हैं थर्टी ये यह सात अरब की जो आबादी है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है थर्टी अच्छा ये बड़ी लंबी रिसर्च है इसको एक फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है डॉग क्रिफ्टिन को कैंसर हो गया डेथ हो गया बाद में इसके पोते ने इसको पब्लिश किया था किताब दुनिया में पर्सनालिटी टाइप्स कितनी इंसानों की सोलह दुनिया के जितने इंसान है वो सोलह सांचों से बने हैं तीसरी बात दुनिया में कम्युनिकेशन के तीन टूल चौथा <laughs> जो, जो है वो उसके बारे में बाद में बताता हूं फर्स्ट टूल इज वर्बल द सेकेंड इज बॉडी लैंग्वेज थर्ड इज वोकल्स एंड फोर्थ इज टेलीकोना टेलीकोसिस आप यानी बगैर बोले भी सिर्फ आप आंखें बंद करके बैठे और आप कम्युनिकेट कर लें जब मैंने ढूंढा अपने आप को मैं अपने ज़ात के किले के अंदर चला गया और मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ मिली कम्युनिकेटर्स से ये टाइप है यानी सॉरी ये स्ट्रेंथ है कम्युनिकेटर वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के साथ बातचीत कर सकते हैं ये सिर्फ एक कमरे तक नहीं रहते ये बात करते हैं तो बात आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग पड़ती है जब मैंने टाइप ढूंढी तो मुझे पता लगा मैं ई एन एफ जे हूँ ठीक है जी एक्स्ट्रोवर्जन इंटिव हाईली इंटिव इंतहा के एम्पथेटिक फीलिंग एम्पथी बहुत ज़्यादा होती है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल प्लानर ऑर्गेनाइजर कोई चीज़ अगर वो रखेंगे अगर वो टिशू भी पकड़ेंगे मिसाल लीजिए अगर टिशू निकालो तो टिशू की भी एक तरतीब है <laughs> यानी ये नहीं हो सकता कि वो यूं करके टिशू रखें वो कुछ भी अगर जुराबे उतारेंगे बिना और बूट रखेंगे कहीं तो वो कोई देख लेगा ई एन एफ चेनी इस हद तक दुनिया का नॉलेज चला गया ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि नासा में भी उन्होंने टाइप देख के रखना होता नहीं तो सत्या नासा हो सकता है अच्छा, अब ये तीसरी जो चीज मैंने बताई वो तीनों कम्युनिकेशन के बाद अल्लाह ने चौथी भी दे दी कोई दावा नहीं है लेकिन अल्लाह का करम है कि इंट्यूटिव मैंने पॉलिश कर लिया पता लगा कि यार ये मुझे मेरे दिमाग में अचानक को फिल्म चलती इसका मतलब है? को है इसका मतलब क्या होता है को कलर्स आते हैं इसका मतलब क्या होता है मेरे सामने बंदा आता है तो वो एक स्मेल सी मुझे क्यों आ जाती है ये क्या है इसको कमल मैंने वक्त के साथ साथ पॉलिश किया अच्छा ये अब इतनी आटो हो चुकी है कि इसकी स्पीड मेरा ख्याल हम लास्ट जब बैठे थे तो मैंने इसको आपको कहा था कि मुझे टेस्ट करें आ, है, है, आपको याद आ जाएगा तो जा तो तो मैंने कहा था रेंडम आप मेरे सामने अपनी टीम के लोग बुलाई जाएं और आपको मैं उनके बारे में बताना शुरू कर दूं तो वो तो आप बताएंगे मैंने सही बताया या अब वो क्या है ये टैलेंट है मेरा ये एक ओवरऑल ये सारा जो मैंने बताया एक टैलेंट मेरा एक टैलेंट जो है वो कम्युनिकेशन है पढ़ाना सिखाना टीच करना मैं इसके बगाड़ नहीं रह सकता इसके बारे में मेरी बेगम साहबा का कहना है कि अगर कासिम अली शाह को 104 बुखार है उसे क्लासरूम दे दे तो ये क्या होगा ये ठीक हो जाएगा आप मतलब मेरे ऑफिस आई होंगी तो यहाँ बोर्ड पड़ा होगा बिल्कुल ऐसे यहाँ पे पड़ा यानी जिस तरह डॉक्टर के गले में दिल की धड़कन के लिए हर वक्त वो होता है मेरे कमरे में मेरे इवन के मेरे बेड के पास बोर्ड पड़ा हुआ <laughs> मार्कर्स पड़े हुए हैं मैं कभी भी उठ के कुछ लिख सकता हूँ ये मेरी मतलब ये लड़के फिर पिक्चर लेके सेव कर लेते हैं टीम मेरी सेव कर लेती है मैं फाइलें पड़ी हुई जिसमें सेव करते रहते हैं तीसरी जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी अल्लाह ने कर्म किया वो लीडरशिप है मैं हमेशा टीम बना के मैंने काम किया है मेरे अभी भी प्रोजेक्ट्स में सारे मिला हूँ कोई हंड्रेड लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर कुछ सत्तर लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो एक ह्यूमन साइकिल को समझते हुए टीम बनाना का और मेरे पास पुराने पुराने लोग मिलेंगे आपको यहाँ पर आप अगर इंटरव्यू लेने शुरू करें इनके तो आपको जो डिजाइनर है मेरा जो पोस्टर बनाता है उन्नीस साल का तालुका मतलब मैं पहली बार उसकी दुकान पे जब गया था जिस दुकान पे जिस शॉप पे वो जॉब करता था तो मैं मोटरसाइकिल पे गया था आज उन्नीस साल गुजर गए जो चाय बचा लेकर के आया अभी इसके फादर मेरे पास पिछले पच्चीस साल से पच्चीस साल से इसके फादर हैं इसके दादा को मैं जानता हूँ तो मेरे पास यहाँ आपको बड़े बड़े नायाब इंटीक अजायब घर की तरह पुराने पुराने लोग मिल जाएंगे और ये अल्लाह की करम नवाज़ी है कि मैंने कभी कमल रिश्ता नहीं ख़त्म किया मेरी ज़िंदगी में शायद एक दो लोग ऐसे होंगे मैं खामोशी इख्तियार कर ली मैं रिश्ता नहीं खत्म करता मैं पोज कर लेता हूँ कभी कि यार इसको नहीं समझा पा रहा है या इस तरह नहीं चल रहा या ख़राब हो रहा है बेहतर है मैं साइड हो जाऊँ लेकिन रिश्ता मैंने कभी ख़त्म नहीं किया तो ये मेरी स्ट्रेंट्स हैं और ये इंतहा की कार आमद है काउंसलिंग में ये इतनी कार आमद है कि बाजात वो डायग्नोज़ करना या वो जो असमेंट है उसके लिए लोगों को कितने कितने टेस्ट चाहिए होते हैं मैं आपको इसका एक वाक्य सुना के ना फिर क्लोजिंग की तरफ जाते हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस था तो उन्होंने हायरिंग करनी थी अपने एच मैनेजर की तो उनके सी और दो एक्सपर्ट्स एक रूम में बैठे थे मैंने कहा जी मेरे पास टाइम थोड़ा कितने लोग हैं उन्होंने कहा जी छः लोग हैं मैंने कहा फाइव मिनट्स ईच मैं अकेला मिलना चाहूँगा सबको मैं कंडीशन सिर्फ़ एक है उस रूम में मेरे अलावा कोई नहीं होगा वहाँ पर पानी का ग्लास और बोतल रख दें एक वाइट पेपर रख दें और उसको कि नॉक करके आता जाए और जाता है पाँच मिनट बाद बंदा बाहर होना चाहिए थर्टी मिनट्स गुजर के छः बंदों के इंटरव्यू मैंने ले लिया उन लोगों ने जब उनके छः के इंटरव्यू लिए तो उन्हें टोटल जो टाइम लगा साढ़े चार घंटे थे एक टी ब्रेक भी ली उन तीनों इस ने सीईओ ने सीओने और सीओने। दो एक्सपर्ट्स ने मैं चला गया इस्लामाबाद रस्ते में था बिहरा के पास तो उनकी कॉल आई कि सर वर्ट्स डिसीजन आप क्योंकि अल्टीमेट उन्होंने मुझे पे किया हुआ था इस असाइनमेंट के लिए तो मैंने कहा दिस वन उसमें से उसमें से आपने कहा ये है आप इसको रख लें

या आपके गले पड़ जाएगा हाँ। <laughs> वो हैरान हो गए कि शाह साहब आप आधे घंटे में पाँच पांच, -पांच मिनट में इतना एकट कैसे आपको पता लग गया मैंने कहा ये अल्लाह ने मुझे एक टैलेंट दिया कि मैं पूरी देख के चावल नहीं खाता मैं थोड़े से चावल चखता हूँ मुझे पता लग जाता है अल्लाह की मेहरबानी से ये एक टैलेंट है ये मेरे पास मास्टर की है मास्टर की होती है ना तो किसी भी आप रूम में किसी भी जगह पर टच करके आप एंटर हो जाते हैं तो ये मास्टर की अल्लाह ने गिफ्ट कर दी ये काउंसलिंग में भी काम आती है हायरिंग के दरम्यान काम आती है बड़े ग्रुप्स मुझे बुला लेते हैं जस्ट कि शाह साहब आप बैठ जाएं अब आप ओपिनियन दे दें दे अपना और मैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से मैं कहता हूँ उसने पानी की बोतल खोल के पानी डालना मैंने उसको सेस कर लेना उसकी टाइप निकाल लेनी है मैं अगले कहता हूँ दो लाइनें ड्रॉ कर दो पेपर मैं उसकी परसनिटी निकाल लूंगा उसमें ये एक स्किल है ये स्किल बन गई है लेकिन है ये टैलेंट और स्ट्रेंथ बिल्कुल माशाल्लाह पता नहीं आप आप

मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि इतनी इतनी कामयाब एक वुमेन लीडर हमारे सामने बैठी हुई हैं तो इनको मैं गलत गाइड करूं तो मैंने फिर जो मेरा असेस तो मैंने आपको एंट्री पे कर लिया था मेरे लिए मुश्किल नहीं था बल्कि उससे भी पहले यूनिवर्सिटी पंजाब में हम एक दफ़ा इवेंट पे कटे थे लेकिन मैंने उसको वैलिड करना था उसकी वैलिडिटी के लिए मैंने दो एक्सरसाइज करवा ली वैलिड हो गया कि वैसे ही नहीं आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाई देट आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि आपने माशाला काफ़ी एक्यूरेटली जो है वो अलहमद ऑनेस्टली दिल नहीं चाह रहा बहुत सारे और सवाल जहन मरा में आ भी रहे हैं और दिल चाह रहा है कि और वो आपसे सवाल पूछती जाऊँ मगर ऑबियसली अब हमारे जो व्यूअर्स हैं पॉडकास्ट लिमिटेड है, है। मुझसे मुझे आप ना मैंने आज बहुत सारे नोट्स भी लिए सीखा भी है मगर हमारे व्यूअर्स को जाते हुए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे पहले एक लीफ़ा सुनाऊँगा चलो कमल एक दफ़ा ना मैं एक कारपोरेट ट्रेनिंग थी तो सुबह से शाम तक थी उस जमाने में बड़ा बैच ले देता था अब तो मैंने रूल्स बना दी फिल्टर लगा दी कि नहीं बड़ा बैच लेना चालीस लोग लो। तो वो सौ दो सौ लोग थे डेढ़ तो सौ लोग थे तो जब शाम को मैं थका हारा पूरा दिन खड़ा रहा हूँ बोलता रहा हूँ तो मैं जाने वाला हुआ ना गाड़ी तक पहुंचा बंदा भागते भागते मैं कैसे सेल्फी लेनी हो होगी यहाँ ऑटोग्राफ कहता सर कुछ चीज़ गलत है दोस्तों <laughs> अच्छा मैंने कहा मेरे भाई ये पूरा दिन जो नहीं अच्छी बातें थी तो सुनने वालों को मैं ये कहूँगा कि अपनी जिंदगी में इस्तकामत ना छोड़ें डिटर्मिनेशन ना छोड़ें क्योंकि जो लगा रहता है वो कहीं पहुंच जाता है ये मैटर नहीं करता फॉरन रिजल्ट आ रहे हैं मैटर करता है कि आप एफर्ट करते 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 जो कंपाउंड इफेक्ट है ना डेरन हार्डी का वो कंपाउंड इफेक्ट इतनी ताकतवर चीज है कि आप हैरान हो जाते हैं कि शुरू कहाँ से किया और कहाँ पहुंच गए तो लगे रहें डटे रहें वो सराकी वाले भी कहते हैं और उर्दू में भी कोटेशन है कि इस्तकामत में करामत है अगर आपने वाह करना है तो फिर लगे रहें फिर एक दिन दुनिया अब हम किताबों में पढ़ते हैं हीरोज की कहानियां सबके क्राइसिस हैं इब्राहिम लिंकन के पढ़ते हैं महबूबा छोड़ गई ये हो गया वो हो गया क्राइसिस नर्वस ब्रेक ड्राउंड हो गया इतनी बार इलेक्शन में हारा आखिरकार वो विन कर गया एक एक कोबलर का एक का बेटा मोची बच्चा अमेरिका का सदर बन गया हम कहानियों में सिर्फ पढ़ लेते हैं गौर नहीं करते एक स्कूल टीचर उठता है 1996 से स्टार्ट करता है अपना जर्नी अमेरिका का दो बार प्रेसिडेंट बनता है बराक ओबामा दो बार प्रेसिडेंट बनता है एक एथिक्स एंड लॉ पढ़ाने वाला शिकागो स्कूल का टीचर तो गुजारिश ये है कि हम उनको किताबों में पढ़ते हैं और जब हम किसी को देखते हैं हम कहते हैं नहीं जी नहीं इसका क्राइसिस तो क्राइसिस था ये भी एक बीमारी है माशरे में हम दूसरे को मुश्किल में देख कहते हैं अजाब आया हुआ है और अपने लिए कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो अल्लाह ग्रूम कर रहा है <laughs> अल्लाह के बंदे उसको ग्रूमिंग ही हो रही है उसका भी कोई भलाई हो रहा <laughs> है बिल्कुल ऐसा ही थैंक यू सो मच कासिम साहब आज हमने आपसे काफ़ी गोल्डन नगेट्स जैसे मैंने पहले कहा था गोल्डन नगेट्स लिए और मैंने काफ़ी सारे नोट्स भी के भी नगेट्स नहीं थे <laughs> तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का आपने आ, कासिम साहब को सुना होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा हमें कॉमेंट्स में कॉमें। अंटिल नेक्स्ट टाइम इन साइनिंग आउट कंवल चीमा